बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, मैं एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट 1000 एवरीडे साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जो कि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन है, ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है वो क्या होता है? सिप्लीन। सिप्लीन में जाके रेड ब्लड सेल्स जमा होते हैं और वहाँ पे ये डेड हो जाते हैं। रेड सिप्लीन क्या होता है? ये हमारी तिल्ली जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रिस्ले। और ये कब डिस्कवर की गई थी? ये 1773 के अंदर, 1773 के अंदर प्रिस्ले ने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर की। क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने डिस्कवर किया था? तो इसका दूसरा जवाब है डॉक्टर जेम्स वाटसन 1953 के अंदर, 1953 के अंदर डॉक्टर जेम्स वाटसन ने डीएनए का मॉडल पेश किया था। क्वेश्चन नंबर फोर है, फॉर द फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? तो इसका दूसरा जवाब है रॉबर्ट हुक। और ये कब डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था 1665 के अंदर, सेल 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया क्या है? इज डिफाइंड एज द फियर ऑफ, क्लास्ट्रोफोबिया ये एक फियर होता है। तो ये क्या होता है? इसका आंसर है क्लोज स्पेसेस, जो क्लोज बंद जगह होते हैं उनका इंसान को डर होता है, उसको क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वाइटामिन सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वाइटामिन सी का एक और नाम भी है, तो वो उसका जवाब क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, वाइटामिन सी का अदर नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा वाइटामिन है? तो ये वाइटामिन सी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ की जो मैं न्यू वीडियोज़ बना रहा हूँ वो भी आप तक मिलती रहें। दोस्तों, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी का इरादा करते हैं, तो आप घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सोडा वाटर सर्व्स एज ए प्राइमरी रेमेडी फॉर, सोडा वाटर क्या है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? प्राइमरी रेमेडी, इलाज होता है अपसेट स्टोमिक, अगर आपका स्टोमिक ख़राब है तो उसके लिए सोडा वाटर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट है, नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच, जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है? आर्टरीज के अंदर जो मौजूद होता है उसकी पीएच होती है 7.40 पीएच होती है आर्टेरियल ब्लड की। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस, सुई गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन ये एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता आ रहा है, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। सुई गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? मीथेन होता है। सुई गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, एगोराफोबिया इज़ अ फियर ऑफ, एगोराफोबिया इज़ अ फियर ऑफ, इसका आंसर है ओपन या पब्लिक प्लेसेज, यानी कि ओपन और पब्लिक प्लेसेज पर कुछ लोग आने से डरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एगोराफोबिया कहते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया हमने पीछे डिस्कस किया था, तो वो क्या था? फियर ऑफ क्लोज प्लेसेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्राई आइस इज व्हाट, ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस ये क्या होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केमिकली प्योर कार्बन इज, केमिकली प्योर कार्बन कौन सा है? तो वो क्या है? डायमंड। डायमंड जो है वो केमिकली प्योर होता है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ये कार्बन की ये एक आम शक्ल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैस यूज्ड इन फायर सिलेंडर, फायर सिलेंडर के अंदर जो गैस यूज़ होती है किसके लिए? फायर एक्सटिंग्विशिंग, आग बुझाने के लिए। ये जो अक्सर आपने पेट्रोल स्टेशनों या बिल्डिंग्स के अंदर, बड़ी इमारत के अंदर रेड कलर के सिलेंडर्स लटके होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस आग को जलने में मदद नहीं देती बल्कि आग को बुझाने में मदद देती है, इसलिए उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल की हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, कार की जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर कौन सा एसिड भरा जाता है? तो उसका दूसरा जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरीज के अंदर फिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्किंसंस इज द डिजीज ऑफ, पार्किंसन ये एक डिजीज़ है, जो किस चीज़ की डिजीज़ है? ये है ब्रेन की डिजीज़ है, जिसके अंदर ब्रेन की मूवमेंट जो होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है, और ये ब्रेन की डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पार्किंसंस डिजीज़ कहा जाता है, ये ब्रेन की डिजीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉर्मल पल्स बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, ना पल्स बीट जो हमारी नर्वस की रफ्तार होती है वो कितनी होती है टोटल? तो उसका जवाब है 72 to 80 पर मिनट, 72 से 80 जो हमारी पल्स बीट होती है वो पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं, या अक्सर फूड साइंटिस्ट या फूड इंस्पेक्टर जो के होते हैं वो चेक करते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? उसको कहते हैं लैक्टोमीटर, ये चेक करता है कि इसकी ये मिल्क प्योर है या इसके अंदर कोई
एडल्ट्रेशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, जिसे हम पोस्टमार्टम भी कह देते हैं, कि क्या रीजंस है इसकी डेथ, किस वजह से हुई है, या इसके कोई मतलब क्या हुआ है, इसके गला दबाया गया है या कोई और चोट लगाई गई है, तो ये उसकी डेड बॉडी और कितने बजे इसकी डेथ हुई है, तो टोटल सारी चीज़ें चेक करने के लिए ऑटोप्सी की जाती है, जिसे एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद राइटिंग डिक्शनरीज। साइंस की एक ब्रांच है पूरी जो कि डिक्शनरीज के साथ डील करती है कि उनको कैसे लिखना है, तो उस ब्रांच को क्या नाम है, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद राइटिंग डिक्शनरीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज जो साउंड की जो आवाज रफ्तार है वो एयर के अंदर वो कितनी है, उसका दूर जो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका दूर जवाब है 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। दोस्तों अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, तो इनका आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब ज़रूर देना है, ताकि पता चल सके ताकि आप ये क्वेश्चन याद हुए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सुई गैस इज। सुई गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद हो गया तो जो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय द। ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की थी, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाते रहूँगा, इसमें टच में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।